अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली ले हूँ जी आपका जो कंप्यूटर साइंस का आज पेपर था उसकी वीडियो। तो यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर का पेपर आया, ये बहुत इजी पेपर था, इसको आप डिफिकल्ट पेपर नहीं कह सकते थे। और यहाँ पे गेस्ट पेपर से भी जो मैंने आपको फाइनल गेस्ट पेपर वर्ड फाइल में दिया था, आपको वो गेस्ट पेपर फॉलो करना होता है, जो कि मैं आपको SLOs बेस्ड ये जो मॉडल पेपर है, ये सिर्फ हम डिस्कस करते हैं कि पैटर्न पेपर का किस तरह। इससे मैं भी अभी आपको काफ़ी बार पहले भी कह चुका हूँ कि इससे कुछ भी नहीं आता, ये मुझे भी पता है, आप लोगों को नीचे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ एक पेपर पैटर्न के लिए हम उसको डिस्कशन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ओवरऑल जो मैंने आपको वर्ड फाइल वाला गेस दिया था उसमें से ही काफी कुछ आया हुआ है। और फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप सेक्शन बी में अगर देखें तो डिफरेंशिएट बिटवीन शेयरवेयर और फ्रीवेयर, तो ये क्वेश्चन भी वहां से ही आया हुआ है। और उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर, डेफिनेटली अब मैं किस किस क्वेश्चन को गिनूं, वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, सारा तकरीबन वही है। तो जिसने देखा होगा वो नीचे कमेंट करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू की अगर हम बात करें तो ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, द फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर एंड सेकंड वन इज मिनी कंप्यूटर। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राइट द थ्री डिफरेंस बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। उसके बाद यहाँ पे रैम वाला भी आया हुआ है और डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम, और ये भी मैंने आपको बताया था स्टैटिक और डायनेमिक रैम, मजे की बात तो ये। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर फाइव जो आया हुआ है ये लेबल वाला है, ये पता नहीं कहाँ से आया है। और क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है हमारे पास, नेम द फोर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स एंड एक्सप्लेन द वर्किंग, तो ये भी थोड़ा कहीं और से आया हुआ है। उसके बाद एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ बसेज, ये मैंने बताया था आपको, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ कूलिंग सिस्टम इन कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद ये एक डायग्राम आई थी कोक्सियल केबल की, आई थिंक सो। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टेन जो है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड बाय MS Access, ये भी बताया था। उसके बाद डिस्क्राइब द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रोम, पी रोम और EEPROM, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद वाईफाई और वाईफाई मैक्स भी बताई थी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो 13 आता है, व्हाट इज़ अ GPS एंड राइट इज इम्पोर्टेंस, तो अगर आपने वो देखा होगा तो आप बहुत लकी हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें कवर हो गई होंगी। उसके बाद यहाँ पे अ कॉलेज हैज़ मैनी डिपार्टमेंट एंड वन डिपार्टमेंट मस्ट बिलोंग टू वन कॉलेज, ऑब्जर्व द सिचुएशन केयरफुली, तो ER डायग्राम आपको बोला था ज्ञान सीन आएगी। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म द ER डायग्राम टू रिलेशनल स्कीमा, तो उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज़ अ क्वेरी एंड राइट्स इज पर्पस इज वन एग्जांपल। इसी तरह अगर हम अपने सेक्शन सी को डिस्कस करें तो यहाँ पे उन्होंने जो पहला क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग मदरबोर्ड कंपोनेंट्स, इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज़ बायोस, और सेकंड है मेमोरी स्लॉट, और थर्ड वाला है डिस्क कंट्रोलर, और जो फोर्थ है एक्सपेंशन स्लॉट। उसके बाद अगर आगे आएँ तो व्हाट इज़ द OSI मॉडल एंड राइट डाउन द प्रोटोकॉल्स एंड डिवाइसेस यूज्ड इन ईच ऑफ द लेयर, तो इसमें हमारे पास ये टेबल था, ये आपने फिल करना था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्राइब द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस, LCD मॉनिटर, डॉट प्रिंट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर। इसी तरह आगे ये क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर सीज मैनी पेशेंट एंड अ पेशेंट हैव मैनी एंड अ पेशेंट मे हैव मैनी डॉक्टर्स, अ डॉक्टर मे कंसल्ट ऑन अ टेस्ट एंड रिकमेंडेड इट, अ डॉक्टर कैन रिकमेंड टेस्ट टू द प्रिंटर्स टू पेशेंट, पेशेंट हैव टोकन नंबर, नेम एंड एज टेस्ट, पेशेंट सॉरी डॉक्टर हैज़ नेम क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर, लाइक वाइज द टेस्ट हैज़ नेम डेट एंड टाइम एंड रिजल्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे आपने इसको क्या करना था, फॉलोइंग सिनेरियो लिस्ट ऑफ एंटिटीज बनानी थी, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स बनानी थी, और ER डायग्राम आपने बनानी थी तो कैंडिडेट्स को असाइन करने के लिए। तो ओवरऑल अगर इस पेपर को देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी इजी पेपर, कोई बच्चा इसको डिफिकल्ट तो नहीं कह सकता। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाओ ताकि इसी तरह की वीडियोस देखते रहो। अपना बहुत सा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।